आईपीएल 2020 खेलने के लिए सभी टीम यूएई रवाना हो चुकी है और आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से आज यहां पे तीन बड़ी गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तीन बड़ी गुड न्यूज़ के बारे में। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एंड तक आप लोग आज की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे बनाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहली गुड न्यूज़ के बारे में। तो गाइस सबसे पहली गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लेके। तो गाइस जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, आरसीबी के चेयरमैन ने बोला था ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स है वो शुरुआती मुकाबले में आप सभी को नजर आ सकते हैं आरसीबी के टीम में। जैसे कि यहाँ पे एरन फिंच, केन रिचर्डसन, जोसेफ फिलिपी आप सभी को पहले ही मैच से नजर आ सकते हैं। दरअसल उनका जो मैच यहाँ पे सीरीज खत्म हो रही है वो खत्म हो रही है 16 सितंबर को और आईपीएल का जो स्टार्टिंग डेट है वो 19 सितंबर को यहाँ पे होने जा रही है। और आरसीबी का जो मुकाबला यहाँ पे दरअसल आपको देखने को मिल सकता है 21 या फिर 20 तारीख को या फिर 22 तारीख को भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एरन फिंच के पास, केन रिचर्डसन के पास, जोसेफ फिलिपी के पास टाइम है और वो यहाँ पे यूएई आ सकते हैं आईपीएल स्टार्ट होने से पहले। तो गाइस जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आरसीबी के चेयरमैन ने यहाँ पे बोला था कि एरन फिंच आपको पहले ही मुकाबले में नजर आ सकते हैं। दरअसल गाइस एरन फिंच को एक नोटिस भेजा गया है कि आप शुरुआती मुकाबले से अवेलेबल हो जाएंगे, क्या आप ये बता सकते हो और क्या आप यहाँ पे यूएई आईपीएल स्टार्ट होने से पहले आ सकते हो। तो गाइस एरन फिंच की तरफ से जो नई रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि उन्होंने एक आया कि हम लोग कोशिश करेंगे आईपीएल स्टार्ट होने से पहले आने की और आरसीबी के पहले मुकाबले से हम लोग यहाँ पे अवेलेबल नजर आ जाए, हम लोग पूरी तरह से कोशिश करने वाले हैं। और एरन फिंच ने केन रिचर्डसन, जोसेफ फिलिपी भी एक साथ ही यहाँ पे यूएई आ जाएंगे। अगर आईपीएल से पहले आते हैं तो गाइस वो पहले ही मुकाबले में आपको नजर आ जाएंगे। और एरन फिंच ने ये भी कहा है कि हम लोग पूरी तरह से कोशिश करने वाले हैं, जैसे सीरीज खत्म होगा हम लोग 2 दिन का रेस्ट लेंगे एंड 2 दिन का रेस्ट लेने को जिस दिन आईपीएल स्टार्ट होगा तो उसी दिन हम लोग फ्लाइट बैठेंगे एंड उसके बाद हम सभी आरसीबी की तरफ से यहाँ पे खेलने के लिए उतर जाएंगे और आरसीबी की टीम को हम लोग 20 तारीख को या फिर 21 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप सभी को ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं वो आरसीबी की तरफ से आप सभी को पहले ही मुकाबले में नजर आ जाएंगे। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी गुड न्यूज़ के बारे में। तो गाइस दूसरी जो गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है विराट कोहली को लेके। तो गाइस विराट कोहली को लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल कर नहीं आई थी और गाइस आरसीबी के ऑफिशियल ने भी कोई भी यहाँ से रिवील नहीं किया था कि विराट कोहली कब यूएई पहुंचेंगे, कब यहाँ पे जाएंगे, कब आरसीबी की टीम को ज्वाइन करेंगे। लेकिन विराट कोहली इसमें छुपे रुस्तम निकले और विराट कोहली कब यहाँ पे यूएई पहुंचे ये किसी को पता नहीं चला और उन्होंने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया हेलो दुबई, यानी कि गाइस विराट कोहली यूएई पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वो रिसोर्ट्स में रुक चुके हैं एंड वहाँ पे रिसोर्ट में भी आ चुके हैं एंड उनको भी क्वारंटीन किया जा चुका है, उनका कोविड टेस्ट भी हो चुका है और विराट कोहली अभी क्वारंटाइन में है और जैसे उनका क्वारंटाइन खत्म होगा तो वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए उतर जाएंगे। और विराट कोहली ने किसी को नहीं बताया कि मैं इस तारीख को यूएई जाने वाला हूँ और आरसीबी की तरफ से भी कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आई और विराट कोहली चुपचाप यहाँ पे यूएई के लिए निकल गए और वो यहाँ पे यूएई पहुँच भी चुके एंड हेलो दुबई उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिख दिया है। तो गाइस आरसीबी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि उनके विराट कोहली जान वहाँ पे पहुँच चुके यूएई और आईपीएल की तैयारी अब स्टार्ट करने वाले हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान किंग कोहली अब बहुत ही जल्द आप सभी को लाइव एक्शन में नजर आने वाले हैं। तो आज विराट कोहली के लिए एक लाइक तो बनता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी गुड न्यूज़ के बारे में। तो गाइस तीसरी जो गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है साउथ अफ्रीका प्लेयर्स की तरफ से। गाइस मैं सभी साउथ अफ्रीका प्लेयर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे आरसीबी की साउथ अफ्रीका प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि एवी डी विलियर्स, क्रिस मॉरिस और डेल स्टेन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल गाइस आरसीबी के ऑफिशियल ने ये रिवील किया था, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि एवी डी विलियर्स, क्रिस मॉरिस और डेल स्टेन यहाँ पे 22 अगस्त को यूएई लैंड कर जाएंगे, यानी कि आज यहाँ पे यूएई लैंड कर जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आरसीबी की ऑफिशियल ने पहले ही रिवील कर दिया था और अभी एक नई रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है एवी डी विलियर्स, क्रिस मॉरिस और डेल स्टेन की तरफ से। दरअसल गाइस उन्होंने कहा है कि हम लोग यहाँ पे 22 तारीख को यूएई लैंड कर जाएंगे, शाम को या फिर दोपहर को वो लोग यहाँ पे लैंड कर जाएंगे यूएई, और गाइस आज ही लैंड कर जाएंगे। तो आरसीबी के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि उनके सभी प्लेयर्स ऑलमोस्ट अभी यूएई पहुँच जाएंगे और पहुँचने के बाद उनको भी कोविड टेस्ट हो जाएगा एंड क्वारंटाइन सभी को कर दिया जाएगा एंड बहुत ही जल्द आरसीबी के सभी प्लेयर्स लाइव एक्शन पे आपको नजर आने वाले हैं।
बहुत ही जल्द लोग मैदान में उतरेंगे और बल्ले के साथ भी नजर आने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे एरन फिंच, किन रिचर्डसन, मोइन अली और जोसेफ फिलिप आप सभी को नजर नहीं आएंगे, बट वो लोग भी अब आप सभी को बहुत ही जल्द नजर आ जाएंगे। जैसे उनका सीरीज खत्म होगा, आईपीएल स्टार्ट होगा, तो वो लोग भी आप सभी को पहले ही मुकाबले से लाइव एक्शन में नजर आ जाएंगे। तो गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पे आरसीबी के सभी प्लेयर्स अभी वही पहुंच चुके हैं, तो आरसीबी के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। और आरसीबी की तरफ से तीन बड़ी गुड न्यूज आज सामने निकल कर आ रही थी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कीजिए लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।